हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और थोड़ा सैड भी हूँ एक्चुअली। तो आज हमारा कबूतर ने बच्चे दी है, इस वजह से काफी खुश हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक अंडे से ना सुझा नहीं निकला यार, इस वजह से काफी दुखी हूँ। बाय द वे सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट आप लोग इस ब्लॉग के साथ बने रहे। दोस्तों हमारा ये मूली प्रेग्नेंट है, ठीक है, और पेट के अंदर काफी सारे बच्चे है। पेट को देखिए काफी फूली हुई है, लेकिन दोस्तों पता नहीं इसको कौन सा बीमार हुआ है। देखिए ना, ये तैर नहीं सकते दोस्तों, बाकी फिश ना इसको अटैक कर रहे, इसलिए मैं इसको अलग कर दूंगा। पता नहीं दोस्तों ये जिंदा रहेगा या नहीं, इसको कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों को पता है तो। ओके, इसको दोस्तों फटाफट अलग से जगह पर रखना होगा, नहीं तो बाकी फिश मार देगा इसको। यहाँ पर रखता हूँ। हमारा रैबिट दोस्तों आराम से सो रहे, अभी मैं इनको ट्रीट्स देने वाला हूँ, यम्मी ट्रीट्स। आ जाओ दोनों आ जाओ। इसको लाया हूँ दोस्तों तकरीबन 12 दिन हुआ है और ये ब्रीडिंग किया है 11 दिन हुआ है, ठीक है। और 20 दिन के बाद दोस्तों इससे हमें बच्चे मिलेगा। ये खाओ, इनको मैं दोस्तों बनाना खिला रहा हूँ थोड़ा, ओके, एज ए ट्रीट। कितना शौक से खा रहे, देखिए एक बार देखो ना, बहुत शौक से खा रहे दोस्तों। खाओ हाँ, बहुत बढ़िया। अरे पूरा मत खा जाना, देखिए सिल्का खा। अरे यार बनाना खाओ। हाँ, सिल्का खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो सिल्का ही खाते जा रहे हैं। देखिए नहीं, तुम खाओ केले, ठीक है, गुड बॉय, ये बैड गर्ल है, सिल्के खाते हैं। बनाना दोस्तों रैबिट्स के लिए सेफ है, बट ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं। बाकी जो है ना दोस्तों वो मैं हमारा एंजल को खिलाऊंगा। एंजल ये भी सो रही है, देखिए एंजल ये खाओ, इस तरफ खा रहे, खाओ। आप सभी को बताया हमारा शिराजी कबूतर ने एक बच्ची दी थी और हमारा फंटल ने भी एक बच्ची दी थी, है ना। दोनों बच्चे काफी बड़ा हो गया था, इसलिए दोनों को मैं दोस्तों इस रूम के अंदर रख दिया। वो देखिए ये फंटल की बेबी और शिराजी की बेबी दोस्तों यहाँ पर है। ये लोग दोस्तों हमेशा इस केस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये ज्यादा फ्लाई करती है। एक बात मैं दोस्तों नोटिस किया, जब से मैं दोस्तों इनको अलग किया तब से ये लोग खाना जो है ना कम खा रहे यार। मुझे लगता है दोस्तों इनके मम्मी पापा के साथ रखना होगा, फिर से काफी वीक हो गया है। हमारा लपड़ ने जो बच्ची दी थी दोस्तों वो जिंदा है या नहीं पता नहीं। कोकटेल ने ब्रीडिंग करना शुरू की है, आई थिंक दोस्तों बहुत ही जल्दी अंडे देगी। ये दोस्तों हमेशा टैंक के अंदर उछल कूदते रहते हैं, काफी बदमाश हो गया है ये और काफी बड़ा भी हो गया है दोस्तों। देखिए देख रहे ना, 1.5 फीट से ज्यादा हो गया दोस्तों ये। वाह वाह वाह, इन सबको दोस्तों भूख लग गया, खाने के लिए फूड देना होगा। हाय मोड, तुम्हें भी भूख लगा है? रुको रुको मैं खाना दे रहा हूँ, वाइट करो, ठीक है। देखिए कैसा कह रहे दोस्तों फूड के लिए, रुक जाओ मैं दे रहा हूँ, ये खाओ। खा रहे तुम लोग इस तरह बजाओ, ये लो। चलिए इनको भी थोड़ा खिलाते हैं, ओके। आ जाओ, थोड़ा देना होगा। हाँ सभी फिर तो बड़े हो गए हैं, तो खाना भी ज़्यादा देना पड़ता है। खाओ, सगड़ा मत करो। भाई देवे आप चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा न्यू फैमिली मेम्बर कैसा है, ठीक है। तो इस वाले शिराजी कबूतर को दोस्तों में 2 अंडे दिया था, ठीक है, एक तो शिराजी की और एक दोस्तों फंटल की। तो ये कौन सा बच्चा है आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों इनका ही बेबी है, क्योंकि ब्लैक कलर इनको मिल रहा है, देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों फंटल की जो अंडे दिया था उसी अंडे को ही तोड़ दिया, काफी बदमाश है यार। यहाँ पर मेल साहब आज अंडे को हैचिंग कर रहे हैं और फीमेल दोस्तों यहाँ पर खाना खा रही है। यहाँ पर हमारा सिल्की मुर्गी दोस्तों अंडे देने के लिए बैठ गई, वो देखिए अंडे दी है या नहीं पता नहीं, काफी समय तक दोस्तों वहाँ पर बैठी रहती है। बाय द वे ये तो दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया है। पसंद है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता होगा अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारा इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।